आज चैप्टर 4 टेलीसाइकिक्स आपको भविष्य देखने और अंतर्बोध की आवाज पहचानने की शक्ति देता है। हाउ टेलीसाइकिक्स एनेबल यू टू फोरसी द फ्यूचर एंड रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ इंट्यूशन। ओके, तो हम लोग अभी तक 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और उससे हमने मेन चीज एक ये सीखी है, और वैसे तो पुरानी बुक से भी सीखते चले आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, रिवाइज करा दूं, कि जहां पर भी आपका ध्यान होता है, फोकस्ड थॉट, वही चीज लाइफ में होती चली जाती है ना। लास्ट क्लास में भी हमने ये बहुत क्लियर समझा था कि वो चीज नहीं होती लाइफ में जो हम चाहते हैं, होती वो चीज है जहां हमारा ध्यान रहता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है अभी भी कि मैं चाहती तो कुछ और हूँ और वो कुछ और रहा है, तो जरा सा अपने अंदर झांक के देखेंगे कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, किस चीज के बारे में मैं ज्यादा सोच रही हूँ, जो चीज चाहिए या जो चीज नहीं चाहिए उसके ऊपर मेरा सारा ध्यान है। और एक और चीज है, ऐसा तो नहीं कि ध्यान इस पे है कि ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो अगर इस पे भी ध्यान रहेगा तो वो भी वही चीज शो होगी कि भाई नहीं हो रहा है। तो हम लाख चाह लें, लेकिन ये हमें अब देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो चलो, तो ये जो चैप्टर है उसमें आपके एक इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, हम सबके पास ये पावर होता है, इंट्यूशन पावर, ठीक है। इंट्यूशन मतलब कोई भी चीज पहले से पता लग जाए, ये एक पावर होता है। या फिर इसी बुक में, इसी चैप्टर में ये भी है कि हम ये भी देखेंगे कि जो लोग नहीं है इस समय इस दुनिया में, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे ही लोग हैं थे और अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं है हमारे आसपास, तो उनसे भी हम किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो वाला नहीं होगा कुछ, वो जो, अच्छा, जैसे कि हमने पावर बुक में भी समझा था लास्ट चैप्टर में, आप सबको याद होगा, कोई भी कहीं जाता नहीं है, सब यहीं रहते हैं, और चाहे भले ही आपको लगता हो कि उनका दूसरा जन्म हो गया हो या कुछ ऐसा, लेकिन सब यही है, आप कभी भी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट वर्ड सही रहेगा, मतलब आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं और उधर से भी आंसर ले सकते हो, कितना अच्छा रहेगा ना। कई बार हमें गाइडेंस चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और वो अगर हमें ऐसे मिलने लगे तो कितना अच्छा रहे। लेकिन पता है शर्त क्या होगी इसके लिए भी, एक शर्त होगी, अपने आप को हर समय जैसे हम परेशान रहते हैं ना, वो परेशानी वाले मोड से हटना पड़ेगा। चलो, धीरे धीरे हम समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जो डॉक्टर मर्फी हैं, इस बुक में भी उन्होंने कई सारे, उनके पास जो लोग आया करते थे और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहती थी उसका जो सॉल्यूशन देते थे, उसी के बेसिस पे इन्होंने कई सारी ऐसी स्टोरीज बता के हम सबको बताया है कि आप, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर मर्फी के पास एक आदमी आया, व्यवसायी, मतलब फार्मासिस्ट था वो, यंग बिजनेसमैन समझ लीजिए, फार्मासिस्ट था जिसकी अपनी दुकान थी, लेकिन उसे शायद, शायद नहीं, वैसे हम सभी को बहुत पैसे कमाने होते हैं, इसे भी पैसे ही कमाने थे, तो ज्यादा ही कमाने थे, और जो कि फार्मेसी से इसके नहीं हो रहा था, उतने पैसे वो नहीं कमा पा रहा था। उसे कहीं से पता चला था कि स्टॉक्स, मतलब शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाओ और खरीदो स्टॉक्स वगैरह, तो उससे अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन ये देखो, ये बहुत पुरानी बात है और उस टाइम इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज की डेट में है स्टॉक्स मार्केट, शेयर मार्केट को लेके, कि आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी चलते हैं, मैंने देखा है कि कोर्सेज ज्वाइन करो और आपको सारी समझ आ जाएगी कि कौन से शेयर खरीदने हैं, कब खरीदने हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो था फार्मासिस्ट, वो डॉक्टर मर्फी के कांटेक्ट में आ चुका था, इसलिए डॉक्टर मर्फी ने उसको बताया कि आपको करना क्या है, और मतलब इसका भी सॉल्यूशन डॉक्टर मर्फी ने बताया था कि हर रात सोने से पहले, गहरी नींद में सोने जाओ उससे पहले अपने दिमाग को आपको कमांड देना होगा। क्या? कि जो शेयर में सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, क्वेश्चन पूछा उसने, वो मेरे सामने प्रकट करो, और मैं जवाबों के प्रति स्पष्टता से जागरूक हूँ, जवाब मेरे चेतन तार्किक मन में आएंगे, जवाब ना सुनना मेरे लिए असंभव होगा। ये पूरा एक कमांड था कि जो मेरे कॉन्शियस माइंड में जब इसका आंसर आएगा तो मैं उस समय अवेयर रहूंगा। ये देखो, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज क्या होता है कई बार कि
कि हम क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अनअवेयर रहते हैं, इधर उधर की प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, और आंसर आता भी है, किसी भी तरीके से आ सकता है, आप सबको पता है, कहीं कोई बात कर रहा हो तो उसको हमें मतलब अवेयरनेस जरूरी है, और उस टाइम हम अगर अवेयर नहीं है तो हम उस चीज से चूक जाएंगे। लेकिन हमने पहले ही कमांड दे दिया कि जब भी मेरे पास इस तरह का जवाब आए, आंसर आए, तो मैं उस टाइम जागरूक रहूं, और आंसर आपके कॉन्शियस माइंड में ही आएगा, और जवाब न सुनना मेरे लिए असंभव होगा। तो इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं कि एवरी नाइट बिफोर ही वेंट ऑफ टू स्लीप, टू द डीप ऑफ स्लीप, ही वुड क्वाइटली से टू हिज डीपर सेल्फ, क्या रिवील टू मी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दीज गोल्ड स्टॉक्स एंड आई विल बी अवेयर ऑफ द आंसर्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, द आंसर्स विल कम इन टू माई कॉन्शियस रीजनिंग माइंड एंड इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू मिस द रिस्पॉन्स। देखो ये स्टोरी मतलब ये चीज हमें क्या सिखा रही है कि हमें किस तरह से कमांड देना है। हमें अब कोई जरूरी नहीं है आप सबको स्टॉक खरीदना हो, शेयर खरीदना हो, लेकिन जो भी आपको आंसर चाहिए तो ये पूरा आप देख रहे हैं कि इस तरह से कमांड दिया जा सकता है कि जब भी कभी मुझे इस तरह से आंसर मिले तो मैं जागरूक रहूं, मैं अवेयर रहूं, और जवाब न सुनना मेरे लिए असंभव हो, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू मिस द रिस्पॉन्स, बिकॉज हमारी आदत रहती है इधर उधर भटके रहने की, अवेयर न रहने की। अब उस जो फार्मासिस्ट था उसने क्या किया, हर रात एवरी नाइट सोने से जस्ट पहले इस चीज को फॉलो किया। अच्छा, फॉलो किया और क्या हुआ कि एक रात सपने में एक आदमी उसके सामने प्रकट हुआ और एक पॉइंटर के साथ उसने उसे सोने के मतलब गोल्ड के कुछ खास शेयरों के नाम का चार्ट दिखाया, जिसमें उसने वर्तमान और फ्यूचर में होने वाले वो सारा पूरा डेटा था, और जैसे ही वो जागा उसने वो शेयर खरीद लिया, और बाद में क्या हुआ कि उस के जो शेयर के भाव थे वो वहीं पर पहुंच गए थे जैसा उसने सपने में देखा था, और वो इतनी दौलत उसने कमा ली जितनी वो फार्मासिस्ट से कभी भी नहीं कमा पाता। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है इस तरह का कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, बस आपको एक कमांड दे सकते हैं, एक प्रेयर कर सकते हैं कि प्लीज आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कह सकते हैं कि प्लीज रिवील टू मी व्हाट इट इज दैट आई नीड टू डू, व्हाट इट इज दैट आई नीड टू चेंज इन माय लाइफ टू अचीव सक्सेस, या फिर रिवील टू मी द थिंग्स दैट आई नीड टू डू, दैट आई नीड टू टेक एक्शन, जो भी आपको जो भी सक्सेस मतलब जो भी चाहिए आप उसके लिए क्या आप करें उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं, और साथ में क्या है कि आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा, क्वाइटनिंग योर माइंड मतलब अपने मन को शांत रखना सीखना होगा, बिकॉज हड़बड़ तड़बड़ में कोई भी आपको आंसर सब कॉन्शियस माइंड आंसर नहीं देने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय आप मेडिटेशन वाले उसमें मोड में रहें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको पहले से ही अपने दिमाग में इस तरह का एक वो डालना होगा कि मुझे आंसर लेना है, मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ और इसका आंसर मेरे पास आएगा तो मुझे अवेयरनेस मतलब रखनी है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस समय सोएं उसी समय आपको वो सपना आए, या फिर जिस समय आप मेडिटेशन करें उसी समय वो चीजें आपको दिखाई दें। आप हो सकता है कि आप कहीं वॉक करने जा रहे हो तो उस टाइम आप वॉकिंग में आपको वो चीज समझ में आने लगे, आप हो सकता है कि जिम में हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इस तरह के जब टाइम रहता है, तो बाथरूम में हो, है ना, तो इस तरह का जब टाइम होता है तो उस टाइम आदमी का जो कॉन्शियस माइंड होता है उसे ज्यादा उस नहीं सोचता, और उस टाइम सब कॉन्शियस माइंड आपको रिवील करता है आपके आंसर्स। तो समझने वाली बात क्या है कि सारा जो लेखा जोखा है हम सबका वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है, बस आपको उसको टैप करना है, उसको छूना है, उससे आंसर निकलवाना है। इसी तरह एक और लड़की की कहानी है इसमें, और वो लड़की इस समय सेक्रेटरी है मतलब थी, लेकिन वो जब 8 साल की थी तो उसकी मदर चली गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, जब 8 साल की ही थी तभी उसके फादर उसको हवाई लेके गए थे, और वहां पे उसके लिए 3 प्लॉट्स खरीदे थे जमीन के, और उसके बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई थी, और अब वो स्कूल गई होगी, पढ़ी लिखी होगी, और उसके बाद वो जॉब कर रही होगी, लेकिन उसके अचानक से उसके दिमाग में एक दिन आया कि मेरे लिए कुछ जमीन खरीदी गई थी, और मुझे उसके फादर ने बताया था
कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब वो तुम्हें लैंड मिलेगी, जमीन मिलेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कहाँ जमीन खरीदी है, मतलब कितनी जमीन है, कहाँ है, किस जगह है प्रॉपर, उसके पेपर्स वगैरह कहाँ रखे हैं, और उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। मतलब कागजातों के बारे में, वो जो डीड हुई थी, वो जो पूरे पेपर्स थे, उसको उसके बारे में नहीं पता था कि कहाँ है। डॉक्टर मर्फी से इसने पूछा और डॉक्टर मर्फी ने उसको सुझाव दिया कि वो सबसे पहले क्या है, देखो, तनाव रहित होकर, मतलब विदाउट एनी एंजाइटी, उसमें एंशियस नहीं होना है, जस्ट रिलैक्सेशन मोड में आना है, अपने मन को हल्का रखना है, शांत रखना है। शी रिलैक्स एट नाइट क्वाइट हर माइंड, ठीक है, इट वॉज नेसेसरी टू इमेजिन शी वॉज टॉकिंग टू द इनफाइनाइट स्पिरिट विद इन हर, उसी के अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है उससे उसको बात करनी होगी और वहीं से सारा आंसर आएगा। अच्छा, ये लड़की जो है वो ओनली चाइल्ड, मतलब एकलौती संतान थी, तो कोई और था नहीं उसके घर में। हर रात उसने क्या किया कि जो उसको प्रेयर बताई थी डॉक्टर मर्फी ने, जो भी बताया था वो किया, जैसे क्या इसने लिखा है, उसने अपने उच्चतर स्व से, मतलब हायर सेल्फ से एक काल्पनिक बातचीत करी। जो भी ये सारे पेपर्स हैं उनके कागजात कहीं पर रखे हुए हैं, और मैं जानती हूँ कि आप, मतलब हायर सेल्फ को उसका आंसर पता है, और मैं, देखो नीचे उसमें थैंकफुल वाले उसमें मोड में लिखा है कि मैं जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ, और ऐसा ही है। ये तरह तरह के, ये प्रेयर्स के, कमांड के, क्वेश्चन के तरीके आपको बताए गए हैं कि आप किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो जो लास्ट उसका सोने के पहले, जस्ट पहले ये क्वेश्चन पूछा, और लास्ट में बस एक वर्ड, आंसर आंसर आंसर, मुझे आंसर चाहिए। शी देन क्वाइटली लर्न हरसेल्फ टू स्लीप विद वन वर्ड आंसर, रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, सिर्फ आंसर आंसर, मुझे आंसर चाहिए इसका, मुझे जवाब चाहिए। और ऐसा इसने लगातार 2 हफ्ते तक किया, 2 हफ्ते, ऐसा नहीं है कि उसने 2 दिन किया हो या 4 दिन किया हो और उसके बाद आके वो कहने लगी हो कि भाई 4 दिन कर चुके, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। मतलब उसने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, है ना, कोई डाउट अपने मन में नहीं लेकर आए कि होगा भी कि नहीं होगा। तो 2 हफ्ते तक लगातार यही इसने प्रेयर दोहराई, और लास्ट में देख लो सबने, मतलब उसने जवाब आंसर ये बार 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 इसमें लिखा हुआ है कि लोरी की तरह दोहराते हुए सो जाती थी। जैसे मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया ना कि आप अपने मन में क्या लेके आ सकते हैं, सक्सेस वेल्थ प्रोस्पेरिटी, सक्सेस वेल्थ प्रोस्पेरिटी, मतलब जो भी चाहिए उसको एक कंटिन्यूअस मोड में लेकर आ सकते हैं। और इसमें उसको आंसर चाहिए था, इसलिए वो पूरी बात उसने बोली और लास्ट में आंसर आंसर आंसर। अच्छा चलो, तो 2 वीक तक इसने हर दिन हर रात यही प्रेयर करी, और उसके बाद उसको नींद में, मतलब ड्रीम्स में कुछ ऐसा उसको सुनाई दिया, हिंदी में ये लिखा है कि मैं तुम्हारी समस्या की गुत्थी सुलझाने जा रहा हूँ, ये सारे जो पेपर्स हैं वो एक पारिवारिक बाइबल में रखे हैं जिसे तुम्हारी दादी पढ़ती थी, पेज 150 पर देखो, वहां तुम्हें एक छोटा लिफाफा मिलेगा, और मुझे अब जाना होगा लेकिन मैं अब तुमसे दोबारा मिलूंगा, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, ये मत सोचना कि यह एक सपना है। ये आंसर उसको सुनाई दिया, सुनाई दिया, इसको क्लेरवॉयंस कहते हैं। आप जब आपका इंट्यूशन पावर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है तो चीजें हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, फील होती हैं, उसके भी अलग अलग नाम है, तो क्लेरोवॉइंस है। तो इसमें ये इंग्लिश में यही है, बस उसको एक सुनाई दिया कि उसके डैड जो है, उसके फादर जो है, वो सपने में आए और आकर यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ग्रैंड मदर बाइबल पढ़ती थी उसके 150 पेज नंबर पे जाकर देखो। वो जब उठी और वो नीचे गई रश्ड डाउनवर्ड्स, और उसने बाइबल, वही बाइबल खोली जाके, और उस बाइबल में बहुत तरह तरह के पेपर्स थे, लेकिन उसमें लिखा है हर ड्रीम सेव्ड हर मच टाइम एंड एक्सपेंस, लेकिन उसमें एकदम सीधे बताया गया था कि 150 पेज नंबर पे वो पेपर्स रखे हैं, और इसलिए उसने वो 150 पेज नंबर खोला और उसी में वो सारे पेपर्स, लैंड के पेपर्स वो सारे थे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हैं और ट्रस्ट रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो आंसर मिलते हैं। और ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि उसका आंसर किसने दिया, स्पिरिट ऑफ हर फादर,
जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे, है ना, लेकिन तब भी वहां से आंसर सुनाई दिए। अच्छा, ऐसा कैसे है कि जैसे याद ही होगा पावर बुक में भी हमने समझा था कि हर चीज हम फ्रिक्वेंसी से कनेक्शन में आ सकते हैं, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब इस धरती पर वो इंसान है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। हिंदी में यही है कि उसके पिता की आत्मा ही थी जिसने कि उसको ये जवाब दिया था, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर मर्फी ये कह रहे हैं कि हमें यह याद रखना चाहिए कि हर दिन परिजनों के बीच टेलीपैथिक संवाद होते हैं। ठीक है, वो चाहे आप मतलब परिजन कौन, जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़ाव जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आपके ब्लड रिलेशन वाले ही कोई हो, तो वो जितने भी लोग हैं वो सब आपसे जुड़े हुए रहते हैं, वो चाहे इस समय इस धरती पर हो या ना हो। और इसमें यही लिखा हुआ है कि मन और आत्मा जो हम सभी की वास्तविकता है मर नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर जीवन आत्मा है और यह हमारा जीवन है, ईश्वर आत्मा है और जीवित सर्वशक्तिमान। देखो भाई, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बुक है, और ऐसा ना सोचना कि कहीं हम आत्माओं से बात करने की बातें समझ रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन बस हम यही समझना चाहते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें, जब हम समझ ही रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है और सभी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे है। और पावर बुक में हमने यही समझा था लास्ट वाले चैप्टर में कि जो लोग इस धरती पर नहीं है वो भी कहीं गए नहीं है, वो आपसे हमेशा फ्रिक्वेंसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि हजारों साल पहले प्राचीन हिंदू मनीषियों ने कहा था, आप मतलब आत्मा कभी नहीं मरते हैं, आप आत्मा कभी नहीं मरेंगे, पानी आपको गीला नहीं करता, आग आपको जलाती नहीं है, तलवार आपको भेदती नहीं है और हवाएं आपको दूर नहीं उड़ाती हैं। और ये देखो, यही हिंदू मनीषियों ने ही कहा था। ये चीज हम समझ गए होंगे कि आप कभी भी किसी से भी कांटेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सभी लोग आपके आसपास ही हैं, किसी भी तरह का गाइडेंस, किसी भी तरह का सपोर्ट, और ये सब कभी कब होगा, जब हम उस फ्रीक्वेंसी में होंगे। और वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, लव, पीस। और हो सकता है कि इस फ्रीक्वेंसी में हम नॉर्मली ना रह पाते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो हम हमेशा कर ही सकते हैं, शुरुआत आर्टिफिशियली कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे तो इसी में रहना ही है, इस हाई फ्रीक्वेंसी में रहना ही है, तो आप चूज करेंगे इस हाई फ्रिक्वेंसी में। और हम सबने पता होगा हम सबको कि जब हम ये सारी बुक्स नहीं कर रहे थे तो हम सब एक जिसे कहते हैं पावरलेस महसूस करते थे, कि हमें नहीं पता था हमारा पावर पावर भी कुछ होता है ये भी नहीं पता था, बिकॉज हमें ये सारी चीजों का अंदाजा ही नहीं था, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों को ही सॉल्व करते रहते थे और परेशानियों में फंसे रहते थे, मतलब सीधा सा यही है। लेकिन हमने ये नया तरीका समझा कि परेशानी में फंसे रहना मतलब आप अवेयर ही नहीं है, आपके पास चॉइस तो हमेशा रहती है लेकिन हमने चूज ही नहीं किया उस चीज को। चलो, डॉक्टर मर्फी यही बताते हैं कि टेलीपैथिक जो कम्युनिकेशन है वो लगातार चल रहा है और हम सब कैपेबल है इस चीज के लिए। क्या कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट नहीं कहूंगे मैं, कांटेक्ट वर्ड ठीक नहीं है, कम्युनिकेट करना। अच्छा, और इस चीज को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा पॉजिटिव उसमें लीजिएगा, और बिकॉज ये थोड़ा ऐसी चीज है जिसको कि कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा सा उससे डरे या हिचके कि भाई आप पता नहीं कौन क्या कैसे, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसीज हाई हैं, हाई मतलब इसी ग्रेटिट्यूड वाले मोड में आप समझ लो खुश रह रहे हो, तो आपके कांटेक्ट में कभी भी लोअर फ्रिक्वेंसी का कोई भी पर्सन नहीं आएगा, और वो पर्सन ही हो चाहे स्पिरिट ही क्यों ना हो। और अब तो ये समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई उनका तो दूसरा जन्म हो गया होगा तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे दूसरा जन्म हो गया हो तीसरा हो गया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब चाहे तब कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर रहने की जरूरत है, अपने सब कॉन्शियस माइंड से उसको एक रिजर्वॉयर की तरह समझेंगे, रिजर्वॉयर मतलब जिसमें सब कुछ है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको टच करना है, सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है कि आप इस धरती पर कब तक रहने वाले हो,
यहाँ क्यों आए हो, है ना। हम नॉर्मली ये समझ ही नहीं पाते, हमें लगता है कि बस आए हैं किसी तरह, पता नहीं क्या करने आ गए, आ गए, ये सब सोचते भी नहीं वैसे तो। बस आए हैं तो चलो पढ़ो लिखो, उसके बाद नौकरी करो, खाओ पियो और जो भी नॉर्मल चीजें वो सब काम करो, और सब आदमी ऐसे ही है, मर जाते हैं बस खत्म, आते और चले जाते। लेकिन हम सब इतने दिनों से इस यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम सब ऐसे ही नहीं आ गए, और आ गए तो बस ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। चल, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को सभी कुछ पता है कि आपका, कई बार हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड को सभी कुछ पता है, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ भी पता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ, और आंसर्स हमेशा मिलते हैं, मिलते ही हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पूछा हो और जवाब ना मिले। Whenever you ask, answer हमेशा मिलेगा, it is always given। और इससे पहले वाली भी जो बुक हम लोगों ने करी थी, उसमें जो अब्राहम थे वो भी एक स्पिरिट ही थे, कोई पर्सन नहीं था जिनकी बातों को हम पढ़ रहे थे और जो हमने समझा था, वो एक स्पिरिट का ही कम्युनिकेशन था और उसी को हमने समझा था। हर रात सोने से पहले का जो टाइम होता है, मे बी 10 मिनट्स का जो एक विंडो मिलती है, एक जो गैप मिलता है, उसको आप यूटिलाइज करेंगे और सोने के उठने के बाद, और बाकी पूरी देर आप अवेयरनेस में रहेंगे। कि अवेयरनेस में क्यों रहेंगे, कि आपको जो अपनी लाइफ को, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर कभी भी मिल सकता है। और अवेयरनेस में नहीं रहेंगे तो फिर आंसर जो है वो आएगा भी और चला भी जाएगा, और हम परेशानियों में ही जूझते रह जाएंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि इसका सीधे सीधे यही है तरीका, कि धीरे 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 अपनी परेशानियों को अपने अंदर से दूर करना, मेन चीज यही है। देखो इसमें क्या लिखा है कि हम सभी की तरह ही जो लोग चले गए हैं यहाँ पे धरती पर नहीं है, उनके भी व्यक्तिपरक मन है और उनके कम घनत्व के सूक्ष्म शरीर है, जो बंद दरवाजे भेदने में सक्षम है और समय तथा काल के परे जा सकते हैं। इसलिए ये मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैं तो पूछ रही हूँ, पता नहीं कौन कहाँ बिजी होगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो तो कहीं और बिजी होंगे, मेरे सवालों का जवाब मेरे तक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इसलिए ये ना सोचें, उनको भी किसी दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे आपकी तरह, वो कभी भी कहीं भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिट। ठीक है, पहले जरा सा थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स मोड में आ जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये तो बहुत ही थोड़ा सिर से ऊपर वाली बातें चली गई हैं, ऐसे भी करना पड़ेगा क्या? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा, नॉर्मल लग रहा है? यस मैम, सिर्फ अपने बारे में पूछ सकते हैं सॉल्यूशंस। सपोज आप रिलेटेड हैं और आप खुश नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और हम जानना चाहते हैं कि हमें कुछ सॉल्यूशन दें, या वो सॉल्यूशन क्या है जिससे कि मैम खुश हो जाएं या मैम की तबीयत ठीक हो जाए, तो क्या वो आंसर हमें मिलेगा, या सिर्फ हम खुश नहीं है या हमें पर्पस चाहिए तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप मेरे बारे में भी कुछ पूछ रहे हैं तो आंसर जरूर मिलेगा। और आप मेरे बारे में क्या, आप रात में सोने से पहले मुझसे ही पूछिए कि भाई ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्या प्लान लेके आए हो कि इस तरह से तुम्हें अपनी लाइफ में इतना झेलना पड़ रहा है, उसका भी जवाब मिलेगा। देर आर नो कोइंसिडेंसेस। मैं अगर बट कोई, अगर कोई नहीं मालूम है तो आप कैसे आंसर देंगे हमें? भाई मुझे इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि मेरा, मैं अनअवेयर हूँ, मैं सिर्फ परेशानियों में ही जूझ रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही है कि मेरा क्या प्लान है, मेरा क्या सोल प्लान है, मैं क्या चीजों को लेके आई हूँ। क्यों मैम? कई बार हम, मैं मान लो अनअवेयर हूँ, हर समय परेशान ही रहती हूँ, तो आप मेरे ही सबकॉन्शियस को टैप करें और मेरे से बात करें कि भाई ऐसा क्या है, क्या प्लान है तुम्हारा, तो उधर से वो भी जवाब आएगा। क्योंकि जब सभी चीजें कनेक्टेड हैं तो कहीं से भी कोई भी जवाब आपको मिल सकता है, और ये पूरा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ जी, गाइडेंस जैसा मांगते हैं रात में तो मिल जाता है, लेकिन वो सुबह तक याद ही नहीं रहता, और रात में तो बहुत क्लियरिटी रहती है, सब पता चल जाता है। हाँ ये हुआ है, तो मॉर्निंग में याद तो नहीं रहता, मुझे तो नहीं रहा।
आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मुझे, मैंने अभी पूछा और रात में ही मुझे उसका जवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहता इसका मतलब वो जवाब ही नहीं है। और इसमें देखो यही बताया गया था कि उस जो आप कमांड दे रहे हो उसमें ये उसमें डालो कि जो जब जवाब आएगा तो मैं उसको मिस नहीं करूंगी, मैं उस जवाब को लूंगी ही लूंगी, उस टाइम अवेयर हो ही जाऊंगी। और आपको इतना पता होना चाहिए, आप सब यहाँ पे इस तरह से, मुझे लगता है कि कभी ना कभी आपने खुद ही किया होगा या दूसरों को सुना होगा कि रात में जब सोने से पहले आप बस बोल के सो गए पिलो पर, मुझे कितने बजे उठा देना, और आपको पता है उससे थोड़ी देर पहले ही उठ जाते हैं। कभी किया ऐसा? अभी अलार्म बजा भी नहीं लेकिन नींद खुल गई, ठीक बहुत है, बार हुआ। सबकॉन्शियस माइंड को पता है ना हर चीज, पता है क्या टाइम होने वाला है, उससे पहले ही इसको उठा दो, मिस ना कर दे ये कुछ भी जो भी करने वाले। मैम उसी चक्कर में पूरी रात सो ही नहीं पाते हम तो। देखो भाई वही बात है कि हम परेशानियों में परेशान रहते हैं, और मेन वो चीज ना, गाइडेंस मिली है वो गाइडेंस नहीं है, वैसे सपना देखा हमने इस तरह से। हाँ, और अब आप जब गाइडेंस मांगे तो उसके साथ ये भी बोल दे कि जब मुझे गाइडेंस मिले तो मैं बिल्कुल अवेयर रहूं, मुझे वो गाइडेंस एक्सेप्ट करनी है, मुझे गाइडेंस लेनी ही लेनी है। अच्छा, इन सब चीजों के साथ देखो इसमें ओके कई बार क्या है कि, अभी ये डॉक्टर मर्फी ने तो नहीं बताया लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आप सब यहाँ पे, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो योगा वाले हैं, है ना, तो वो इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे कि, सुना होगा आपने कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसा कुछ सुना है, रजस, तमस, ये सब चीजें सुनी है। तो देखो हमें हर समय अवेयरनेस लाने के लिए, अवेयरनेस कि हम जागृत अवस्था में रहें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सात्विकता की तरफ थोड़ा आगे बढ़ना होगा। मतलब मैं जितना जो समझा पा रही हूँ शायद आप लोग समझ जाएं कि जो भी जैसे राजसिक फूड है, तामसिक फूड है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी, कि उन चीजों से अगर हम थोड़ा सा, इसीलिए जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि या जो भी तपस्या, जो भी ये ऐसे लोग होते थे वो मतलब सात्विक खाना खाते थे, है ना, ना तो इधर उधर की बातें करते थे, ना ऐसी चीजों को सुनते थे। और मैं ये मतलब इतना नहीं कह रही हूँ कि आप सब सारी चीजें छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा अगर अवेयरनेस के रास्ते पे चलना है तो मुझे लगता है कि उसको अपने अंदर सात्विकता को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी मैं बता दूं कि हम सबका गोल भी यही रहता है, नॉर्मली ह्यूमंस का गोल यही रहता है कि सात्विक लाइफ जीना। जो तामसिक और राजसिक है उसे हो तो जाता है लेकिन वो हम अंदर गिल्टी वाली फीलिंग हमेशा बनी रहती है, भले ही हम उसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ भी करते हो, लेकिन और वही चीज हमें फिर, जैसे कहते हैं ना वो कर्मों का फल मिल रहा है, हमारी आत्मा को सब कुछ पता रहता है, भले ही हमारा जो ईगो माइंड होता है वो उसको एकदम कैप्चर करके बैठा रहता है, वो अलग चीज है, लेकिन आत्मा को हमेशा सारी चीजें पता रहती है। और अगर हम जरा भी रास्ता इधर उधर भटकते हैं, और दूसरों के लिए नहीं कि हमने दूसरों को कुछ बुरा कह दिया कर दिया, हम अपने लिए भी, हम अपना जैसे कुछ उल्टा सीधा खा ही रहे मान लो, और शायद हमें नहीं जरूरत है, जरूरत तो नहीं होती वैसे, लेकिन फिर भी उसका असर तो हमें दिखाई देता ही है। बस मेरा यही कहना था थोड़ा कि हम अवेयरनेस अगर लानी है प्रॉपर तरीके से तो थोड़ा सा इधर भी चल सकते, मैं ज्यादा मतलब मैम ये सात्विक खाने में जो आता है तो इसमें सिर्फ वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का होता है, या उसमें भी जैसे ये प्याज नहीं खाना, गार्लिक नहीं खाना, तेज मसाला नहीं खाना, ऐसे होता है? वो तो काफी कुछ है इसमें सात्विक, उसमें हाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो है ही है, मेन तो ये है ही है। देखो क्या है ना कि कहीं भी घुसो अंदर, जैसे हमने शुरू में मैजिक में थोड़ा सा घुसे थे तो बस थैंक यू करने लगे थे, है ना, थोड़ा और अंदर घुसे और ज्यादा थैंक यू करने लगे, है ना, पहले सिर्फ 28 डेज की जो प्रैक्टिस थी बस वही कर रहे थे, फिर जब थोड़ा और अंदर घुसे तो पता चला हर चीज के लिए थैंक यू कर सकते हैं, हर चीज के लिए और अंदर, तो मतलब एक भी चीज छूट नहीं रही है। इसी तरह से ये भी है कि भाई हम पहले तो मेन एक वो कर लिया कि वेज ही खाना है, नॉन वेज थोड़ा सा नहीं खाना है, वेज ही खाना है, फिर उसमें भी थोड़ा और अंदर घुस गए तो वो अंदर 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 कितना घुस सकते हैं, तो मतलब शुरुआत कर सकते हैं, मेरा कहने का ये मतलब था। मैं अभी किसी को ज्यादा वो नहीं कर रही हूँ लेकिन अवेयरनेस के रास्ते पे अगर चलना है तो हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं।
और आप सब नहीं देखा होगा कि अच्छा जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा अच्छा मूड रहता है, तो आप ऐसे समझ लो वो सात्विक टाइम रहता है। जब आप दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये काम कर लें वो कर लें, मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा बनी रहती है बॉडी में, तो उस टाइम राजसिक रजस पना ज्यादा आ जाता है। और शाम के टाइम आप जब बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, लेथार्जी वाला टाइम आ जाता है, तो फिर वो तमस अंदर बढ़ जाता है। उस टाइम आप कुछ करना नहीं चाहते, मन नहीं करता कुछ करने का। तो उसके भी अलग अलग चीजें हैं कि जब हम अंदर हमारे सात्विकता ज्यादा रहती है तो हम बहुत खुश रहते हैं, और नए नए चीजों को मतलब क्रिएशन मोड हमारा अच्छा रहता है, नए नए चीज चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, रिसेप्टिव रहते हैं। आप ऐसे समझ लो कि सात्विक इज इक्वल टू मतलब हार्मनी, हार्मनी हर चीज से। और राजसिक मतलब एक्शन, बहुत ज्यादा एक्शन, वो चाहे आपके मन का हो चाहे बॉडी का हो, बहुत ज्यादा जब आप बहुत एक्टिव रहते हैं एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। और इसी को वो काइनेटिक मतलब आपके मसल्स का भी बहुत अब उसमें वो रहता है, तो वो राजसिक होता है। और तमस जो है वो आपका इनर्जिया मतलब लेजीनेस, जब बहुत ज्यादा एकदम हमारे कुछ करने का मन नहीं करता, क्या करें यार क्या कुछ नहीं है, इस तरह की कभी कभी वो आता है, तो वो तमस वाला वो बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा रहता है। और हम सब वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ये तीनों चीजों के। एनलाइटमेंट पता है क्या है, जब इन तीनों चीजों से ऊपर उठ जाओ, इन तीनों चीजों को जब पीछे छोड़ दो तब भी एनलाइटमेंट है। और वही क्या होता है कि जब बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है तब भी बैलेंस मोड में है, कुछ बुरा भी हो रहा है तब भी बैलेंस मोड, मतलब। और वो पता है वो ऐसा नहीं है कि हम एकदम नीरस हो गए, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन सब चीजों को आप जैसे अभी थैंक यू करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, अंदर से बहुत हैप्पीनेस फील करते हो, उसके बाद का एक ऐसा लेवल आता है कि आप हमेशा उसी मोड में रहते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि क्योंकि आपको पता होता है, इतनी नॉलेज इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छा भी हो रहा है तो वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये मैं थोड़ा और आगे की बात बता रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बता रही हूँ, बस सुन लीजिए आप कि जब कभी भी ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएगा ही, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। इसलिए धीरे 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 क्या है कि हमें ऊपर जाके ही एक उसको बैलेंस में लेकर आना होगा, कि ऊपर नीचे करना बंद हो करना पड़ेगा, ऊपर ही रहे और वो ऊपर मेंटेन किए रहे। आई होप कुछ समझ में आया होगा। इसमें आपको होगा ना, योगा में वो स्थित प्रज्ञ इसे कहते हैं, मतलब आप एक उसी उस पे पोजीशन में अपना उसको ऊपर मेंटेन। के लेवल पे तो हर समय नहीं रहा जाता, नीचे तो आता ही आता है। हाँ तो वो तो आता ही आता, इसीलिए है कि अभी तो हमने शुरुआत ही करी है, तो उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। और जब वो जो एक स्टेज आ जाती है, दैट इज वन विद द शिवा कॉन्शियसनेस, और उसके बाद ही मतलब वो तो एक बहुत ही हायर उसकी पेडेस्टल की बात हो गई, वो तो मैं ऐसे मैं बता रही हूँ। लेकिन मेरा बताने का मतलब यही था कि अगर अवेयरनेस की जर्नी में आगे चलना है तो हमें अपने अंदर सात्विकता को थोड़ा सा धीरे धीरे ही शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें बढ़ाना चाहिए। अच्छा, बढ़ाने के लिए देखो मैं कुछ टिप्स बताती हूँ, कुछ टेक्निक्स बताती हूँ। सबसे पहले जो लोग आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल वाले लोग हैं ना, उनके साथ आप बी नाइस टू देम, मतलब उनके साथ आप मुश्किल मत बन जाना। जो बहुत मुश्किल वाले लोग हैं उनके साथ आप मुश्किल वाले मत बन जाना, उनके साथ आपका तो जो बिहेवियर है वो शुरुआत में अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के बी नाइस टू देम, उनके साथ भी अच्छे बने रहें। कुछ कहने करने की जरूरत नहीं है अंदर से। दूसरी चीज, दोज हु आर स्ट्रगलिंग, आपको अगर पता है आपकी लाइफ में कि कुछ लोग ऐसे हैं शायद आपके जानने में या रिलेटिव्स में, कि जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी तरीके से, जस्ट ब्लेस देम, उनको ब्लेस करना शुरू करें। और तीसरे, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा नीचे धकेलने के उसमें लगा हुआ है ना, तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम सात्विकता की तरफ, अवेयरनेस की तरफ, मेंटल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, अलर्टनेस कहते हैं, उसको उसके पास पहुंचेंगे। नॉलेज सिर्फ लेते रहना ही वो नहीं है, आप उसको कितना ज्यादा उसको वो कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो भी है। ऐसा तो नहीं कि अभी बहुत परेशान ही बैठे हो। मैम, जैसे आपने बोला कि हर एक्शन
जैसे आपने बताया कि कोई भी अगर आपके साथ कुछ भी कर रहा है तो वो उनको ना ब्लेम करके खुद अपने आप को ब्लेम तो नहीं, बट वो एक्सेप्ट करो कि दिस इज बिकॉज ऑफ यू। बट कभी अगर सपोज फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स की कोई भी बात ऐसे हो कि वो हर्ट किया, मतलब कोई ऐसा एक्शन है जो कि आपको हर्ट किया उन्होंने, वो ना बट उनको ये भी ना बताएं कि ये बात से हर्ट हुए हैं, या उनको अवेयर मतलब उनको कन्फ्रंट ना करें या ना बोलें ऐसा, या एक्सेप्ट कर लें कि अच्छा हमारी वजह से ही। ये मैं हमेशा से मैंने बताया कि जब एकदम एक्सट्रीम केस हो जाए तो आप ऐसा ना हो कि आप सारी चीजों को सहते चले जाएं और सब कुछ। नहीं नॉट एक्सट्रीम, बट कुछ चीजें जो कि आपको नहीं पसंद है सपोज, और जस्ट कि ये एक्शन या ये तुमने जो किया ये शायद जरूरी नहीं था, या फिर हमें वो सही नहीं लग रहा है, तो वो भी ना बोलें या जस्ट एक्सेप्ट कर लें कि कोई हमारे एक्शन से। इस पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला सुनने वाला है या नहीं, समझने वाला है या नहीं, मतलब उसके अंदर इतना शक्ति है कि वो आपकी बात सुने समझे। या ऐसा तो नहीं कि आप अभी पता चला कुछ कहने ही लगे और उधर से फिर से वापस ऐसा भयानक रिस्पॉन्स आने लगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि अगर आप उनसे कुछ कहने की सोचे कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा या ऐसा नहीं हो, वो पलट के मतलब आपकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे और पलट के ऐसा भयानक वो कर देंगे कि भैया आपको लगेगा कि मैंने बेकार में ही बोला। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ ये है कि सामने वाला अगर थोड़ा सुनने वाला है समझने वाला है तो आप अपनी बात जरूर उस कन्वे कर सकते हैं कि भाई ये ऐसी चीज मुझे ठीक नहीं लगी, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता, तो ये आप कर सकते हैं ना। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग पता नहीं मतलब होते हैं ऐसे कि सुनना नहीं चाहते कि उनकी भी कुछ गलती हो सकती। बल्कि अगर आप कुछ कहना शुरू भी करें तो ऐसा लगेगा कि आपने ही गलती कर दी, कि कुछ कहने की कोशिश नहीं करते आप, तो उस केस में कहने का कोई फायदा नहीं है। उस केस में तो यही होगा ना कि आपने कुछ बोला नहीं कि उधर से और भया कुछ और हादसा हो गया, ये हादसा ही हो जाता है मतलब। तो ऐसे केस में कुछ इसका क्या सॉल्यूशन है फिर? सामने वाला यदि बाउंसर पे बाउंसर ही फेंकेगा, समझेगा नहीं, तो उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? चीज तो यही है कि आपको सामने वाले से कुछ कहना ही नहीं है। कुछ भी हाँ कहने, जब आपको पता चल गया है कि उससे कहने का कोई फायदा है ही नहीं, कहा नहीं कि ऊपर से उल्टा कुछ और हो गया, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा अपना दूरी बना के रखें। वो जो भी कर रहे हैं करने दें, उनसे मतलब कोई ज्यादा वो ना करे और अपने ऊपर काम करे, अपने आप को खुश रखे। बस अपने को किसी भी तरीके से खुश रखे। खुश रखने का मतलब क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे। मैम, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि जो हमें हमें जो दिखता है वो मतलब हमारे वजह से ही दिखता है, कहीं हमारी फ्रिक्वेंसी वैसी है इसलिए हमें वो मिल रही है चीजें, तो फिर हम क्लैरिफिकेशन भी क्यों देने जाए ना? मतलब अगर सपोज सामने वाला नहीं सुन रहा है तब तो ठीक है कि हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है पर्सन जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अब जब हमको पता चल गया है कि अब जो चीज उसके उसके थ्रू हमारे पास आई है वो हमारी वजह से ही आई है, तो फिर क्लैरिफिकेशन किस बात का देना ना? मतलब फिर मतलब जब एक तरह से हमको पता चल गया है कि हमारे हमारा ही जो भी फ्रिक्वेंसी लेवल है या जो भी था जिसकी वजह से हम ये सब सुन रहे हैं, हर वो चीज हमने ही में शायद अट्रैक्ट किया है। आपकी कितनी समझ हो चुकी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अभी मान लो मैंने नया नया ही सीखा है, लेकिन कई चीजें मुझे बुरी लग जाती है, लेकिन ऐसा भी है कि सामने वाला शायद मेरी बात सुन सकता हो, तो मैं अपनी बात कह के वो चीज खत्म करूं। अपने अंदर इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मैं और अगर डीप घुसूं तो मुझे बिल्कुल से ये एकदम एक्सेप्ट मैंने अंदर से कर लिया है कि भाई जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, तो फिर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा एक रास्ता है, पूरा रोड है, रास्ता है, जिस जो कि आपकी समझ जितनी बढ़ती चली जाएगी उसके हिसाब से आप और अंदर डीप घुसते चले जाएंगे, उस तरह की आपकी एक्सेप्टेंस होती चली जाएगी हर चीज को। आप जिसे कहेंगे ना कि जो कुछ है अच्छा है बुरा है, आई एक्सेप्ट जो कुछ भी है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं दैट मीन्स मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो कुछ भी है मेरी वजह से है एंड आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग जो भी है। अब जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेरे पास ये पावर है कि आई कैन चेंज दैट।
जब तक मैं सोच रही हूँ कि सामने वाले की वजह से मैं इसको जरा कुछ तो कह दूँ कि कुछ तो समझ में आ जाए, या ये इसको सुधरना चाहिए, या कुछ तो इसमें चेंज आना चाहिए, तो दैट मीन्स मैं जो अपना पावर है वो उधर दे दे रही हूँ कि भाई वो जब तक नहीं सुधरेगा ना, तब तक तो कुछ चीजें वो जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज ही रहेगी। तो मतलब मैंने अपना पावर इस चीज के लिए उसको दे दिया। अभी पता है क्या, मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो पर्सन तो वैसे ही रहने वाला है, और इसका मतलब ये जो सिचुएशन है वो भी वैसे ही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली। अगर मुझे ये सिचुएशन को सही करना है तो वो जो पर्सन है उसको एक साइड कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी वजह से है, इसलिए मैं इस पे काम करके अपने आप को चेंज करके इससे बाहर निकलूंगी। नॉर्मली हम यही करते हैं ना कि ये थोड़ा सा चेंज हो जाता दूसरा पर्सन तो सब सही हो जाता, इसको मैं किसी तरह तो बता दूं, और जब तक इस मोड में रहते हैं तो वो सिचुएशन कभी नहीं सही हो सकती, वो पर्सन कभी नहीं सही, वो पर्सन तो कभी सही हो ही नहीं सकता ना सिचुएशन। तो भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर लो, खुद लो, जो मैं देख रही हूँ, जो भी मैं सुन रही हूँ, जो भी मैं फील कर रही हूँ, जो लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, और मैं ही इसको, जो मैंने ये क्रिएट किया है बुरा, तो मैं इसको हटा के कुछ अच्छा भी क्रिएट कर सकती हूँ। जो मैंने किया है, मैंने खराब चाय बना दी है तो दूसरी चाय बना लेते हैं ना भाई, अब इसके पीछे रोना क्या है, इसके पीछे पूरी जिंदगी निकाल देंगे कि चाय में चीनी ज्यादा हो ही गई है, अब हटाओ उसे, दूसरी चाय बना के पी लो आराम से। तो ये अवेयरनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना हम चीजों को समझ पा रहे हैं, उस पर कितना काम कर पा रहे हैं। मैंने तो ये बता दिया, दोनों चीज बता दी। अब आपको उस टाइम जिस भी समय ये प्रॉब्लम आए, उस टाइम जो भी समझ में आए, जो ठीक लगे वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया कोई बहुत कुछ हो रहा है और आप शायद उसको समझा भी सकते हैं उस चीज को खत्म करने के लिए, तो समझा के खत्म कर दो, बोल के खत्म कर दो, है ना। और नहीं समझा सकते है ना, और फिर भी हम परेशान हो जा रहे, तो भाई अपना रास्ता बदले, अपने ऊपर काम करें, अपनी चीजों को। तो हर समय हर आदमी के पास कई ऑप्शंस रहते हैं, और ये ऑप्शंस आपके लिए ही हैं। आपको भी पता होगा ना कि क्या सबकी लाइफ पहले से ही तय होती है, तो तय कैसे होती है, वो विद ऑप्शंस होती है। ऐसा ही नहीं कि एक प्लान पूरा बना है, बस उसी लकीर पे ही चलना है, कई सारे ऑप्शंस के साथ ये आपका पूरा प्लान बना हुआ है, इस ऑप्शन के बाहर आप जा ही नहीं सकते। अभी आप कहेंगे ये पिंकी जी तुरंत स्वप्ना जी बन जाए, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं ना। आपके पास जो ऑप्शन है उसमें ही आप इधर उधर कर सकते हैं, तो ऑप्शंस भी आपके ही पूरा जो बना हुआ है ना लाइन, उसी के ही हिसाब से बना है, इससे आप तुरंत तो उड़ के कहीं और नहीं, कोई और बन के कुछ नहीं हो सकता ऐसा। तो मैम, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है तो उसमें मतलब आजकल मतलब मेरी तरफ से तो ये एफर्ट रहता है कि अगर वो सिचुएशन देखे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपनी मतलब मेरा ऑल वही रहता है आजकल कि मतलब यहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी है ना, तो मुझे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखनी है, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि इट्स वेस्ट, क्यों मैं अपनी एनर्जी वहां पे दूँ, क्यों मैं अपना जो भी नेगेटिव चल रहा होगा वो सिचुएशन में मैं क्यों अपना इनपुट दूँ, मुझे वहां पे कुछ नहीं देना, मैं मतलब उसमें साइलेंट बन के बस लिसन मतलब सुन लेती हूँ लेकिन अपना इनपुट कुछ नहीं देती हूँ, तो ये अप्रोच गलत है। कुछ गलत सही कुछ भी नहीं है, आप उस समय क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो वो आपके ऊपर है। उस टाइम आपके पास इतना पेशेंस है कि हाँ ठीक है मैं सुन ले रही हूँ, मुझे इतने आपके पास अवेयरनेस है, इतनी नॉलेज है, उस समय की बात है ना। कई बार क्या होता है आप खुद ही इरिटेशन वाले मोड में हो, जरा सा किसी ने कुछ कहा नहीं कि आपको तुरंत गुस्सा आ गया और आपने कुछ बोल दिया, तो वो चीज गलत नहीं, गलत सही कुछ भी नहीं। आप उस समय किस आप मेंटल स्टेट पे हो उसके हिसाब से अगर आपका जो भी रिएक्शन आ रहा है वो सही है, और कोई गिल्ट वाली फीलिंग में नहीं जाना है कि अगर मान लो गुस्सा आ भी गया और आपने किसी को कुछ बोल दिया, तो ठीक है भाई उस टाइम आपका यही स्टेट था और उससे आपने वो चीज कर दी, खत्म खत्म कर। स्वप्ना हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। हाँ, ऐसा है ना कि जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं और जो पिंकी मैडम क्वेश्चन पूछ रही हैं उस सबका ठीक है, जो मैम जवाब दे रही हैं वो बहुत ही अच्छा है, और जिस लेवल पे आप लोग हैं या यूं कहें हम सब लोग, उस लेवल पे बहुत ही बेस्ट आंसर है ये। लेकिन दुनिया में इतने अब वर्ल्ड जो अफेयर्स होते हैं, जैसे इतनी समस्याएं, इतनी बातें होती हैं, इतनी सिचुएशंस आती हैं आपके पैदा होने से आपके दुनिया से जाने तक,
कि आपको हर एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है और कैसे बोलना है, इसका आंसर एक आदमी आपको कभी नहीं दे सकता। आप ऐसे ढेरों क्वेश्चन पूछती रहेंगी मैडम, ढेरों जवाब देती रहेंगी, फिर भी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें आप ट्रैप हो जाओगी और आपका इनका बताया हुआ कुछ काम नहीं आएगा। उस वक्त आपका अपना विवेक काम आता है, ठीक है? तो हमारे यहाँ ना अध्यात्म में या गीता में ये सब चीजें बताई गई हैं, जिसमें एक चीज बताया गया है संभाव, ठीक है? संभाव में रहना, जिसमें संभाव का मतलब नहीं दुख में भी मत रो, सुख में भी बहुत एक्साइटेड हो, बस यही सब नहीं होता, ठीक है? संभाव का मतलब होता है हर एक परिस्थिति में बैलेंस्ड रहना। बैलेंस्ड रहने से क्या होता है कि आपको अपने आप आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कितना बोलना है, क्या बोलना है, कितना रिएक्ट करना है, आपके रिएक्शन की इंटेंसिटी क्या होगी, आपकी इवन वॉइस की जो पिच होगी वो धीमे वाली होगी या तेज वाली, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता है, ठीक है? क्योंकि आप एकदम हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं ना, तो आपके साथ ऐसे ही होने लगता है अपने आप। तो नेचर आपको खुद जवाब देने के लिए आपके अंदर सब कुछ अपने आप वो रिएक्शन देता है। उस लेवल पे पहुंचना एक कठिन काम है, असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये जो हम सब लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब हमको उसी लेवल पे ले जाने के लिए ही है। हम आज ही संत, ज्ञानी, महात्मा नहीं बन जाएंगे, और ये उस ऊंचाई पे जाने के लिए प्रश्नों का उठना स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपके मन में प्रश्न आएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे आप उसका खुद जवाब ढूंढोगे, हम लोग कुछ रिप्लाई करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर से ये सारी जिज्ञासा शांत होती जाएगी, और फिर जैसे जैसे जिज्ञासा शांत होगी आप ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे, और ये आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को टैकल करना अपने आप जान जाओगी। फिलहाल अभी की कंडीशन में आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज है, लेकिन संभाव में रहने एक वो होता है, और आप ये सीख जाएंगी। आपके नॉलेज में इसलिए मैंने डाल दिया कि अगर वो बीज मैं बोध रोपित कर दूंगा ना, जिसको कहते हैं ना, तो हो सकता है वो कभी ऐसा कोई फर्टिलाइजर पा जाए तो वो हो सकता है वो फ्लरिश कर जाए, तो आप उस संभाव में चली जाएं। जिस दिन आ जाएंगे अपने सारे दुनिया के काम करेंगे, आप हस्बैंड को भी देखोगी, बच्चों को भी देखोगी, सब कुछ करते जाओगी, और आप एकदम दुनिया से कनेक्ट रहते हुए भी नहीं कनेक्ट रहेंगी, ठीक है? तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक टाइम लेता है, बट ये हो जाता है। तो इस तरह से इसको ध्यान देना है, और चीजें हैं, दुनिया है, आप संसार में आई हो, तो सांसारिक जो भोग होते हैं ना, उसको आपको उसको वो करना है। भोग का मतलब हम लोग कुछ गलत ही समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सुख भी होता है, दुख भी होता है उसमें। और तो अभी इसमें एक है, थोड़ा इसमें वो है, लंबी चीजें है ये। पिंकी मैडम की एक बात का मैं जवाब दे दूं। ये जो रजस, सत और तम होता है, ये सिर्फ फूड के लेवल पे ही नहीं होता, सबसे पहले ये हमारे मन के लेवल पे होता है। आप गीता का जब 14वां चैप्टर पढ़ोगी तो उसमें लिखा हुआ है प्रकृति के तीन गुण, उस चैप्टर का नाम ही है, और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने 27 श्लोका सिर्फ इसी के लिए दिया हुआ है। उसमें उन्होंने अर्जुन को यही समझाया है कि रज क्या होता है, सत क्या होता है, तम क्या होता है, ठीक है? तो जो सत होता है वो सुखों की तरफ ले जाता है, रज हमको सकाम कर्म की तरफ ले जाता है, और तम हमको पागलपन की स्थिति में, बर्बाद कर देने की स्थिति में ले आता है। और ये तीनों एक दूसरे को पूरी लाइफ में एक दूसरे के ऊपर हावी भी होते रहते हैं, कभी कुछ अधिक हो जाएगा तो कभी डाउन हो जाएगा। तो और जो इन तीनों को बैलेंस कर लेता है, यानी फिर वही बात आती है, संभाव में चला जाता है, तो फिर ये सारी चीजें उसको तीनों अफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है? और उसमें फूड भी आता है, फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बहुत मतलब बहुत ही टफ बात बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है ना समझ में आ रही हो, लेकिन फिर वही इसलिए कि डाल दिया दिमाग में आपके कि हो सकता है कभी ये फ्लरिश कर जाए, कभी आप गीता ही उठा लें और पढ़ डालें उसको, तो सब कुछ समझ में उसमें आ जाएगा अपने आप, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं, फूड के लेवल पे भी रज सत तम सब कुछ है उसमें, कि सादा भोजन करना है तो रज हो जाएगा, सत हो जाएगा, थोड़ा सा स्पाइसी खाया तो रजो हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा बहुत ही बासी फूड मतलब स्टेल फूड ले रही हो आप, और पटांग जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है नॉन वेज, तो वो तम में चला जाता है। वो एक है मतलब बहुत ही लो लेवल की चीज है, बट ऐसा है कि आप ओवरऑल ना संभाव में रहना सीखिए। संभाव में रहना सीख जाएंगे तो सब आ जाएगा, और ये तभी आता है जब हम अवेयर रहना सीखते हैं, ठीक है? अवेयर रहना ही एक तरह से देखा जाए तो संभव है,
कि अरे हमको इस समय भी मेरे साथ मेरे घर में कोई एक्सीडेंट हो गया या एक्सपायर हो गया तो मुझे क्या करना है, सिचुएशन संभालनी है कि मुझे हाय तोबा मचाना है, ठीक है। इसी तरह से और भी चीजें होती है कि हमको क्या करना है, हमारा विवेक कैसे उसमें रिएक्ट करे कि हम उसमें से बेस्ट आउटकम या बेस्ट रिजल्ट निकाल सके, इसी को संभव में रहना कहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती है ना वो सब इसी के लिए, उसी तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में सम अप करके बहुत ब्रीफ में बताया आपको, बस इतना ही बताना था मुझे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।